इससे कोई देरी नहीं होनी है। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द यह दिन आएगा कि सदन में एक तिहाई माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। मान्यवर, अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश लोग जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर, और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है, ये सभी ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी